नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टेनोग्राफर्स हब में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज रामधारी गुप्ता खंड एक की 12वीं डिक्टेशन आप सभी को दी जा रही है। दोस्तों, डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका डिक्टेशन कुछ समय पश्चात शुरू होगा। महोदय, जो यह बजट प्रस्तुत हुआ है वह देश का एक ऐसा नया चित्र उपस्थित करता है जो चित्र उम्मीदी का है, आशा का है, सफलता का है। इसमें नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस ढंग से लगाए गए हैं कि सभी लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। इससे भी उनको निराशा हुई है। दूसरी बात जिससे उनको निराशा हुई है यह है कि एक दो वर्ष देश को लेन देन के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, योजना को कठिनाई में पड़ना पड़ा था। वह कठिनाई दूर हो गई है और मैं सदन की तरफ से उन देशों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन देशों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी इस कठिनाई को दूर करने में आगे बढ़कर हाथ बटाया है। मेरे मित्रों को इससे निराशा हुई है कि विदेशी सहायता बहुत ज़्यादा और तेज़ी से पहुंच रही है और हमारी जो कठिनाई दूर हो गई है इससे उनको परेशानी हुई। कम्युनिस्ट इसलिए भी परेशान है कि पिछले एक दो वर्षों में देश की पैदावार बहुमुखी ढंग से बढ़ी है, औद्योगिक पैदावार बढ़ी है। यह उनके लिए निराशा का कारण बना है। उनकी निराशा इसलिए भी बढ़ी है कि उनका मालिक, उनका मित्र हमारे देश की सीमा पर जब फौज लेकर खड़ा है और जब देश पर खतरा है तो क्यों देश की आर्थिक हालत, क्यों देश की वित्तीय हालत तथा दूसरी हालत इतनी अच्छी हुई है और क्यों इतनी अच्छी छवि उभरी है। लेकिन उनकी निराशा हमारी सबसे बड़ी आशा है, उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और मैं समझता हूँ कि उनके भाषण हमारे वित्त मंत्री महोदय के लिए सबसे बड़े बधाई के भाषण हैं। दो तीन और चीज़ों की और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उनकी और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी आपका ध्यान दिलाया है, हमारी सरकार का ध्यान भी उस ओर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर और
अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जब चीज़ों की पैदावार बढ़ रही है, जब देश उन्नति की तरफ बढ़ता जा रहा है, तब भी देश में कीमतें बढ़ रही हैं। महोदय, यह मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता गलत है। इस महंगाई को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने होंगे, कुछ विशेष काम करने होंगे। एक विशेष चीज़ जो इस बजट में आई है और जो घबराहट पैदा करने वाली है, यह है कि इस देश की पैदावार तो बढ़ रही है, देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देश में बेकारी बढ़ रही है और ख़ास तौर पर लिखे लोगों बेकारी बढ़ रही है। लोगों का बेकार होना खतरनाक चीज़ है। हमारी स्वतंत्रता के बाद शायद यह पहला अवसर है जब हमारी स्वतंत्रता के ऊपर एक आघात हुआ है और हम जिस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय अपना सर्वस्व बलिदान करने तैयार थे, उसी प्रकार इस समय भी हमें तैयार होना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मत से मैं सर्वथा सहमत हूँ कि यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर कि इस देश की प्रतिनिधि संस्था जो यह लोकसभा है, उसे इस संबंध में अपनी स्पष्ट राय देनी है और उस राय को देने के बाद हमें उस राय के अनुसार सरकार जो भी कार्यवाही करे, उसमें सरकार को पूरा पूरा सहयोग भी देना है। प्रजातंत्र में प्रजा के पूर्ण सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता, चाहे वह कोई काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। फिर यह तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न है और ऐसे अवसर पर प्रजातंत्रवादी राष्ट्र को, उसकी सारी प्रजा को सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने यह बात कई बार कही है और मैं फिर इसे दोहराना चाहता हूँ कि अनेक ऐसी बातें हैं जिनमें कि भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए भी सब राजनीतिक दल मिलजुल कर काम कर सकते हैं। यह एक ठीक इसी प्रकार का अवसर है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की वैदेशिक नीति का बड़ा भारी समर्थक रहा हूँ और कल इस सदन में इस संबंध में जो बहस हुई, उससे भी यह पूरा परिणाम निकाला
जा सकता है कि जहाँ तक हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धांतों का संबंध है, वहाँ तक इस सदन का कोई दल, इस सदन का कोई भी सदस्य उन सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। कल मैंने बड़े ध्यान से अपने साम्यवादी दल के नेता का भाषण सुना। उन्होंने यह कहा कि मूल प्रश्न हमारी मूल नीति के समर्थन का है। दोस्तों, आप सभी की डिक्टेशन यहीं पूर्ण हुई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।